यूएफए चैंपियंस लीग क्वार्टर फाइनल ड्रॉ फाइनली आउट हो गया है एंड हमको पता चल गया है कौन से टीम्स किसको फेस करने वाली है। एंड गाइज ओनली वन थिंग आई कैन से इज कि भाई क्वार्टर फाइनल्स आर मोस्ट इंटरेस्टिंग, मतलब पिछले 2-3 साल से अगर आप कंपेयर करोगे तो ये सीजन का जो क्वार्टर फाइनल है बहुत ही माउथ वाटरिंग क्लैशेज है। सबसे पहले तो मैं बोलूँगा मैनचेस्टर सिटी, इफ़ यू गाइज कैन सी मैनचेस्टर सिटी वर्सेस बायर्न म्यूनिख के बारे में कुछ बोलूंगा। एज यू कैन सी आई एम अ बिग मैनचेस्टर सिटी फैन, मैनचेस्टर सिटी का टी शर्ट भी पहना है मैंने, सो मेरी तो सच बोलूंगा भाई मेरी फटी पड़ी है एकदम। बट इसलिए नहीं क्योंकि हम बायर्न को फेस कर रहे हैं, बिकॉज हमारा जो प्रीवियस 2 सीजन्स में रिकॉर्ड रहा है अगेंस्ट, पहले तो हम रियल मैड्रिड के साथ सेमीफाइनल हम लोग हारा था और उसके पहले चेल्सी के अगेंस्ट फाइनल भी हारे थे। सो ये बात है कि जो भी टीम मैनचेस्टर सिटी को बीट करी है वो फाइनल हुई है, पिछले दो चैंपियंस लीग वही जीती है, रियल मैड्रिड एंड चेल्सी हमको फाइनल में खुद हराया था। सो भाई मैं यही बोलूंगा कि मैनचेस्टर सिटी और बायर्न म्यूनिख किसी से भी पूछ लो आप, टॉप क्लैश सबका यही होने वाला है, बिकॉज मैनचेस्टर सिटी जिस फॉर्म में है, इफ यू हालांकि आपने पिछले मैच देखी थी तो अगेंस्ट जो आरबी लाइप्ज़िग टीम थी अकेले बंदे ने 5 गोल मार दिया था गाइस, एंड अगेंस्ट बायर्न जो कि यू कैन से यूरोप का अभी तक का चैंपियंस लीग में सब वन ऑफ द बेस्ट डिफेंसेस है, डी लिट और उनका जो उपामेकानो जो डिफेंडर है अगेंस्ट पीएसजी, आपने देखा ही पीएसजी का इतना बढ़िया अटैक है, मेस्सी है, नीमार तो खेला नहीं था, नीमार भी खेल रहा था शायद, जो भी है मेस्सी है, एम्बापे भी खेल रहा था, बट अगेन सो यू गेट द आइडिया, लाइक मैनचेस्टर सिटी और बायर्न टॉप क्लैश रहने वाले मेरे लिए तो मैनचेस्टर सिटी और बायर्न, एंड आई होप मैनचेस्टर सिटी गोज थ्रू। सो इन दोनों में से कोई प्रेडिक्ट कर ही नहीं सकता। और एक और बात रहेगी कि मैनचेस्टर सिटी और बायर्न में से जो भी क्लैश में से जो भी विनर रहेगा वो रियल मैड्रिड को फेस करेगा, बिकॉज दूसरे पॉइंट पे मैं आता हूँ रियल मैड्रिड वर्सेस चेल्सी के, तो मुझे नहीं लगता है कि गाइस रियल मैड्रिड वर्सेस चेल्सी, अगर आप चेल्सी के फैन हो तो आई एम फीलिंग वेरी बैड फॉर यू। चेल्सी के फॉर्म वैसे भी प्रीमियर लीग में अच्छा चल रहा नहीं है, एंड यो उनका डिफेंस बहुत ही बेकार रहा है ये सीजन, एंड अटैक में भी इतना कुछ गोल्स नहीं आ पा रहे, एक दो गोल आ रहे हैं अभी मेरे ख्याल से, रिसेंटली उन्होंने एक कंसेक्यूटिव थ्री मैच जीता है प्रीमियर लीग में, तो उनके लिए फॉर्म में आ रहे हैं, बट आई डोंट थिंक वो रियल मैड्रिड को फेस कर पाएंगे जो पिछले सीजन के विनर्स थे। एंड ऑफकोर्स रियल मैड्रिड अगर आपको मालूम है हिस्ट्री तो चैंपियंस लीग के लिटरली गॉड्स कह सकते हैं आप, 14 चैंपियंस लीग जीते एंड ये साल हो सकता है 15 भी हो सके। सो अगर आप देखें तो टेक्निकली बायर्न, मैनचेस्टर सिटी और रियल मैड्रिड ये तीनों टीम में से कोई एक टीम रहेगी जो फाइनलिस्ट में पक्का हो जाएगी। तो ये तो हो गया हमारा 2 क्वार्टर फाइनल, चेल्सी, रियल मैड्रिड, मैनचेस्टर सिटी और बायर्न। तो मेरा प्रेडिक्शन रहेगा रियल मैड्रिड में और चेल्सी में रियल मैड्रिड जीत जाएगी, एंड मैनचेस्टर सिटी एंड बायर्न म्यूनिख में कोई प्रेडिक्शन मैं नहीं कर सकता हूँ, बट आई होप मैनचेस्टर सिटी विंस। और फिर ऑब्वियसली मैनचेस्टर सिटी वर्सेस रियल मैड्रिड सेमीफाइनल रिपीट मिलेगा पिछले साल का। दूसरी तरफ अगर आप आते हैं तो आप कह सकते हैं इट्स काइंड ऑफ अ बोरिंग, एक तो 2 क्वार्टर फाइनल है रियल मैड्रिड, मैनचेस्टर सिटी, बायर्न और चेल्सी का जो एकदम इंटरेस्टिंग है, और दूसरी तरफ आप बोल सकते हैं कि एसी मिलान और नापोली का जो मैच है जो कि दोनों भी इटालियन टीम्स है, तो नापोली इस वक्त अगर आप इटालियन सीरीज को इटालियन की भी लीग को देखते हो तो आपको पता रहेगा कि नापोली एकदम मचा रही है लीग में, मतलब टॉप पे इट्स ऑन टॉप ऑफ द यू नो सीरी है, और उसमें आई थिंक अच्छा खासा गैप है उनका पॉइंट्स, अगर सेकंड टीम और थर्ड टीम को आप देखें तो आई थिंक 15-16 ऑलमोस्ट पॉइंट्स का गैप है नापोली और सेकंड टीम में। सो इटालियन लीग तो वो जीत गए ऑलमोस्ट, बट ये हिस्टोरिकल रहेगा नापोली के लिए क्योंकि फर्स्ट टाइम उन्होंने क्वार्टर फाइनल के लिए यू नो क्वालिफाई किया है, यू नो नापोली बीइंग अ सच अ हिस्टोरिक क्लब, मैराडोना जैसे ग्रेट प्लेयर्स खेल चुके हैं, तो ये इट्स काइंड ऑफ अनबिलीवेबल कि नापोली का ये फर्स्ट टाइम है क्वार्टर फाइनल में आना, बट कॉन्ग्रेचुलेशंस टू देम यार। बट या एसी मिलान और नापोली की मैं बात करूंगा तो मुझे नहीं लगता इतना अच्छा क्लैश होने वाला है, बिकॉज नापोली का जो अटैक है, आपको जो उनका जो प्लेयर है जिनका नाम प्रोनाउंस करने में ही कितने लोग को प्रॉब्लम्स होती है, प्लस उनका जो स्ट्राइकर है ओसिमेन, तो या ओवरऑल नापोली आई थिंक एसी मिलान के अगेंस्ट जीतने वाली है। दूसरा है इंटर मिलान और बेनिफिका, ये मैं कहूँगा कि वन ऑफ द मोस्ट बोरिंग मैचेस रहेगा, एंड आई डोंट थिंक इसको वो इंटर मिलान और बेनिफिका के फैंस के अलावा अराउंड द वर्ल्ड इतना कोई देखने वाला है, बिकॉज ऑनेस्टली इंटर मिलान और बेनिफिका में देखा जाए तो ऑलमोस्ट सिमिलर टीम्स है दोनों लीग्स में, बेनिफिका के मुझे लीग का पता नहीं है कि वो लीग में कैसा चल रही है, बट मेरे ख्याल से बेनिफिका इज ऑल्सो अ टॉप टॉप टीम इन देयर लीग,
बट इस सीजन का मुझे पता नहीं है, बट यस चैंपियंस लीग में बहुत अच्छा अटैकिंग फुटबॉल वो भी खेलते हैं, एंड इंटर मिलान भी थोड़ा अटैकिंग लिसांड्रो मार्टिनेज लुकाकू जैसे प्लेयर्स को लेके, सो ये दोनों में से भी प्रेडिक्ट करना मुश्किल है, बट इररिस्पेक्टिव ये दोनों के मैच में जो भी हो वो नापोली को ही फेस करने वाले हैं, ये मैं बोल सकता हूँ कि एसी मिलान और नापोली में मैं ये प्रेडिक्शन करता हूँ कि नापोली जीतने वाली है, सो नापोली विल फेस इंटर मिलान और बेनिफिका, एंड रियल मैड्रिड विल फेस मैनचेस्टर सिटी और बायर्न म्यूनिख। ये तो हो गई चैंपियंस लीग की बात, एंड आई होप गाइस कि मैनचेस्टर सिटी जीते, अगर आप भी मैनचेस्टर सिटी फैन हो तो आप मेरी फीलिंग समझ सकते हो कि हमने दो बार ट्राई किया, और ऐसा नहीं इसके पहले भी एक बार रियल मैड्रिड से ही सेमीफाइनल में 1-0 होने की वजह से वी वर आउट। एट दैट टाइम आई थिंक मैनुअल पेलेग्रिनी वॉज द इंचार्ज ऑफ द कोच ऑफ द मैनचेस्टर सिटी, सो आई होप मैनचेस्टर सिटी जीत जाए। सो यस चैंपियंस लीग तो क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल सब बेस्ट होने वाला है, एंटरटेनिंग होने वाला है, बट मेरे हिसाब से फाइनल एकदम बोरिंग होने वाला है, बिकॉज रियल मैड्रिड बायर्न और सिटी ये तीनों में से कोई एक टीम अगेंस्ट नापोली होने वाला है 100%। अगर हो सकता है कोई 1% चांस रहे इंटर मिलान बेनफिका और एसी मिलान का आने का, सो आई डोंट नो, बट 99% तो नापोली फाइनल में आए ये तो कन्फर्म है। दूसरी चीज़ है कि इंडियन फुटबॉल की तरफ हम आते हैं, अगर इंडियन फुटबॉल के आप फैन हो तो एक अच्छी न्यूज़ आपको मिलेगी कि इंडिया की नेशनल टीम जो है वो हम खेलने वाले हैं एक ट्राई नेशन टूर्नामेंट जिसमें हमारी मैचेस होगी म्यांमार और किर्गिस्तान जैसे टीम्स के खिलाफ, सो इट्स काइंड ऑफ यू नो फ्रेंडली टाइप टूर्नामेंट। सो इसके पहले भी हुआ था केनिया के अगेंस्ट, आई थिंक केनिया थी और एक दूसरी टीम थी, आई डोंट नो देयर नेम, आई थिंक पोर्टो रिको थी शायद, यस पोर्टो रिको केनिया एंड इंडिया, ये ट्राई नेशन सीरीज थी शायद, एंड यू नो हम वो सीरीज जीत गए थे, सो दैट वॉज एक्चुअली अ ग्रेट थिंग कि हम केनिया जैसी टीम्स के अगेंस्ट जीत गए थे, हालांकि केनिया इतनी अच्छी भी टीम नहीं है देखा जाए तो, बट अगेन वो अफ्रीकन प्लेयर्स काइंड ऑफ फिजिकल एंड बहुत स्ट्रांग है, उसके बावजूद भी हम जीत गए थे, सो दैट इज़ अ ग्रेट थिंग। एंड यस ये इफ यू कैन सी ये हमारे छेत्री सर फर्नांडिस ब्रैंडन फर्नांडिस दीज आर द क्लैशेस, सो टोटल 3 मैचेस मिलेगी, इंडिया अगेंस्ट म्यांमार, इंडिया अगेंस्ट किर्गिस्तान, एंड उनकी रैंकिंग्स की बात करूँ तो म्यांमार इज काइंड ऑफ लो 154 एंड किर्गिस्तान विल बी द रियल डील, क्योंकि किर्गिस्तान 194 पे है एंड ऑल्सो फिजिकली एंड यू नो दे आर वेरी फास्ट फुटबॉलर्स, लाइक उनके फिजिकली भी बहुत स्ट्रांग है एंड टेक्निकली आई थिंक दे आर वेरी गुड, टेक्निकली दे आर वेरी गुड, वो हम अंडरमाइन नहीं कर सकते उनको, सो यस ये बहुत एक अच्छा कॉम्पिटिशन हो सकता है इंडिया के लिए प्रूफ, बिकॉज इसके बाद हम AFC कप के शायद क्वालिफिकेशन भी खेलेंगे एंड सम फ्रेंडलीज एज वेल, फीफा की फ्रेंडलीज भी हो सकती है, एंड ऑल्सो देर इज अनदर टूर्नामेंट अच्छी, बहुत ही इंडियन फुटबॉल के लिए थोड़ी अच्छी न्यूज़ आ रही है आजकल, मतलब एक मेरेडेगा कप है वो भी होने वाला है, मेरेडेगा कप के बारे में अगर आपको नहीं पता है तो मैं उसके बारे में एक दूसरा अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ, सो वॉच दैट वीडियो, मेरेडेगा कप का पूरा हिस्ट्री सब कुछ बताने वाला हूँ। सो या म्यांमार के अगेंस्ट मैं बोलूंगा कि मैच हमको जीत जाना चाहिए, यू कैन नेवर प्रेडिक्ट द इंडियन नेशनल टीम, सॉरी फॉर दैट, बट हम जीत सकते हैं बिकॉज इसके पहले का जो हमारा क्लैश था 2-2 एक ड्रॉ था AFC कप क्वालिफायर्स का एंड एक 1-0 हम जीते थे, सो म्यांमार इज अ लो रैंक टीम बट हम उसको कभी भी हल्के में नहीं ले सकते, एक बात है। एंड यस किर्गिस्तान की बात करें तो किर्गिस्तान ने म्यांमार को 7-0 हराया था एंड हमने उनसे एक 2-2 ड्रॉ खेला और फिर एक 1-0 नैरोली जीते, सो आप समझ सकते हो हमारी पोजीशन क्या है, बट अगेन मैं यही कहूँगा कि गोइंग इनटू दिस टूर्नामेंट एज एन इंडियन फैन मुझे कहना चाहिए कि इंडियन नेशनल टीम, ऑब्वियसली इंडियन नेशनल टीम इज़ द बेस्ट इन तीनों में से मेरे लिए, लेकिन मैं यहाँ पे किर्गिस्तान को टॉप पे रखूँगा बिकॉज आई थिंक दे आर मेंटली एंड फिजिकली एंड ऑल्सो टेक्निकली वे बेटर देन म्यांमार एंड इंडिया अनफॉर्चुनेटली, बट आई होप आवर इंडियन टीम विंस। सो मेरा प्रेडिक्शन यही है कि चैंपियंस लीग में रियल मैड्रिड कोई एक टीम को फेस करेगी, सॉरी नापोली फाइनल में है ये तो पक्का है, और रियल मैड्रिड मैनचेस्टर सिटी और बायर्न म्यूनिख ये तीनों में से कौन सी रहेगी सेकंड फाइनलिस्ट ये हमें देखना है। सो गाइस दैट वाज द रिएक्शन वीडियो एंड आई होप कि मैनचेस्टर सिटी जीत जाए, आपके क्या थाट्स है इस ड्रॉ के बारे में, सो इफ़ यू हैव वॉच दिस वीडियो टिल नाउ, मुझे लगता नहीं यहाँ तक किसी ने देखा है, बट अगर आप यहाँ तक पहुँच गए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, आई विल डू मोर वीडियोज, यस मैरेडेगा कप का इन्फॉर्मेशनल वीडियो भी आने वाला है, सो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।